बच्चे नवे ने ते ये थोड़ा ममटी का आसरा लेंदे ने ते ऐ वेख्या जे बह गया इनू भी टोरा उधर ही पारी ओ इधर बव्या करो हल्के तुसी मोहरां खानियां ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करने आ तुसी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह पाक तुहानू खुश ते आबाद रखे, असलियां मुस्कानियां रखे। इसे दुआ दे नाल अज दी वीडियो कर लैने शुरू। अज काफ़ी दिनों बाद बड़ी अच्छी धुप चढ़ी है। पहला बारिशां होंदियां रहियां ने काफ़ी दिन, तो डेरे भी उहदे विच घट ही चक्कर लाया है। तो अज मौसम अच्छा आया बड़ा, तो डेरे आए हैं उस्तादा ने अपने बच्चे भी कुछ डाए कबूतरां दे, क्योंकि अगों इस टाइम जनवरी का महीना जा रहा है। मार्च विच जिहड़ा बच्चों का कप होंदा मार्च के तकरीबन अद तो बाद शायद 24 मार्च, तो वो तैयारी वास्ते उन उस्तादा ने भी कोई बच्चे उड़ाए ने, तो वह भी देखने बहेंदे जो वीडियो बना सके उन्हां दी। बाकी तुहानू छत दे गिर दा माहौल भी दसने आ। बारिश होने नाल मौसम बहुत साफ सुथरा हो गया, तो पब्बी भी बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। उन्हें कैमरा असी हाथ में फड़ के जूम करके तुहानू दिखाने की कोशिश करने हैं। तो जितने भी दोस्त चैनल पर नवे ने चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक भी करो, दोस्तों में भी शेयर करो। तो माशाल्लाह जी अज बड़ी प्यारी धूप चढ़ी है, मज़ेदार सर्दियों में यह जी धूप बड़ी मज़ेदार लगती है। तो बाकी इस टाइम तो आसमान साफ हो गया बिल्कुल, थोड़ी देर पहला बदलियां बनी गई, तो काफ़ी बच्चे बैठ गए ने, तो कुछ भी हूँ वीडियो बनाने की कोशिश करने हैं। ठीक है, और हूँ मैदाना भी आए हैं तो वह भी तुम दिखाने, तो सब तो पहला तो फिर असी हूँ कैमरा अपने हाथ में करिए एक बारी तो पिंड का मंजर भी दसने हैं। बड़ा साफ सुथरा बारिश तो बाद पहला कैमरा हाथ में फाड़ लीए ना जरा। छाते तो छत के लहंदे वाली साइड से तुम देखो यह पिंड नज़र आ रहा है। फसलों में पानी भी खले बारिश की वजह सामने तो नज़र आ रहा होगा। बाकी तुम देखो पिंड माशाल्लाह बड़ा अच्छा मंजर तो क्लीयर हो गया। मौसम बहुत साफ हो गया, धूड़ मिट्टी बह गई है। सारियां तो वड्डी गल है कि बीमारियां भी काफ़ी खत्म हो जांदियां ने बारिश नाल, जिहड़े वायरस हवा विच फैले होंदे ने ना, लूदगी पोल्यूशन सब कुछ। देखो पिंड दे बैक साइड ते तुहानू पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। है देखो जी कबूतर नज़र आ रहे ने, तुहानू आस्ता आस्ता पर्वत वाली साइड तो लैके चलने हैं कैमरा। ऐ सामने पब्बी वाले पहाड़ जे हैं, कई बार जूम आउट करिए छत पर्वत वाली साइड, तो सूए विच भी पानी काफ़ी आए है बारिश की वजह नाल। ठीक है, बाकी है पहाड़ काफ़ी दूर ने लेकिन अब बहुत क्लीयर आ रहे हैं। कैमरे विच इतने क्लीयर नहीं आ रहे जितने क्लीयर वैसे नज़र आ रहे ने ना। माशाल्लाह जी, तो बाकी फसलों देख कनक तुम दिखाने छत दे चढ़ने वाली साइड कणक विच पानी खले है।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟੁਕਣੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पानी ऐसी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा होगा तुम्हें। कनक माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही है। दोस्तों एक बच्चा बिल्कुल बैठन दे करीब माशाल्लाह जी चेक करो। कबूतरों नू थोड़ी देर पहले ही दाना पाया तकरीबन डिगर दिया जाना तो अद्धा घंटा पहला टाइम का फिर अंदाजा ला लो तकरीबन कबूतर बस थोड़े बड़े रह गए दाने के दाने बाकी दाना खा चुके खैर। बारिश की वजह न मौसम बड़ा अच्छा हो गया साफ सुथरा दूरों दूरों भी सही क्लीयर नज़र आता है। तो उस्ताद भी जो बच्चे देख रहे ने जोड़िया वाले कबूतर बच्चों वीडियो तुसी एंड तक देखो यकीन तुम्हें अच्छी लगेगी। है दोस्तों देखा जी मलक साहब भी आए ने कबूतर का शौक कर रहे ने थले दोस्तों है बच्चे बहने के करीब आए ने मंडी तो बह गया जो एक ये मम्मी के दाने उधर जाए वो साइड पे चल हाँ देख जाला तो नहीं जाता इतने पहला भी बहन आया ना तू तो दोस्तों तो बच्चा एक बैठ गया दूसरा भी घूम गया क्या ढाल चली गए ये साधन की माशाल्लाह दोस्तों भी बच्चा बहना तो फिर दसने दोस्तों दो बच्चे उपरू होर ढले ने थले दिहाड़ी बदलियां भी काफ़ी फिरिया ने हो सकता है अज कोई घट भी जान पर दुआ तो है कि सारे जावन माशाल्लाह जी। तकरीबन साढ़े चार का टाइम हो गया तो मौसम भी अज बड़ा करार है फिलहाल वक्ती तौर पर बिल्कुल साफ है दिहाड़ी एक बार खराब होया आ बच्चा बिल्कुल बैठन दे करीब
ਉਹ ਮੰਮਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੈ ਚੱਲਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਮਟੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਰਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਾਰੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਵਿਆ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਐ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀਆਂ ਫਿਰੀ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3-4 ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡੇ ਠਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਸ ਥੜੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ